कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और हम लोग गलत टावर पे आ गए। उसके बाद हैंडसम फिटी पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। कल रात मैं लास्ट व्लॉग को एंड नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। हम लोग को पूरा दिन चला गया, फिर लाइक रात के 11:30 बजे ऐसे कुछ हम घर पहुँचे। हे गाइज, एक्चुअली हमें अभी इस वक्त यराडा बीच के लिए निकल जाना था, बट आई डोंट थिंक आज और हो पाएगा बिकॉज पापा को बहुत सारे काम वाम है। हम लोग यहाँ पे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और हम लोग गलत टावर पे आ गए। उसके बाद हम ढूंढ रहे हैं हाउस में ऐसे 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 जाके, बिकॉज हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो हम लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं सब, हम ऐसे 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 देख रहे, समझ नहीं आ रहा ऐसे सब हरकतें मैं ही क्यों करती रहती हूँ। एनीवेज, अभी हम लोग सही टावर को जाएंगे, आई होप सो। वी नीड टू गेट अभी हम लोग वापस बाहर जा रहे हैं बिकॉज दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। किसी को भी नहीं बोलेंगे, बस पता चल गया। ये बस यूट्यूब पे है बट हम किसी को नहीं बोलेंगे। ओके, बस यूट्यूब पे ही जाएगा, बाकी किसी को पता नहीं चल कि हम कितने बड़े गधे हैं। चार दिन से हम यही पे डूड एंड हम लोग भूल ही गए। गलत हो गया। सो दिस इज द व्यू फ्रॉम द 35th फ्लोर, दैट्स द हेलीपैड ऊपर। सेंट्रल मॉल में एंड लिटरली लाइक आफ्टर अराउंड 8 months मैं मॉल में आई हूँ। भुवनेश्वर में भी लॉकडाउन के बाद मॉल नहीं गई थी, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। ओके गाइस, सो एट लास्ट वी आर इनसाइड द मॉल एंड मेरे को यहाँ पे भी लोग घूर ही रहे एंड देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ है, लाइक अमिडस्ट कोविड भी यहाँ पे देखो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। ये सब लोग बस ये शादी अटेंड करने को आए हैं। सो या इट्स लाइक टू मच भीड़ यहाँ वाइजाग में। ऐसा लग रहा है जैसे कोविड क्या है, कोविड तो कुछ है ही नहीं, सब नॉर्मल है पहले जैसा। मास्क तो आधे से ज़्यादा लोग पहनते ही नहीं है। आप एक बार आज मैं और मेरी बहन सेम मास्क पहने, वी आर ट्विनिंग मछली मास्क। ओके गाइस, अभी हम चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। खाना बहुत अच्छा था बट मैंने ज़्यादा नहीं खाया, बस सूप खा लिया और उसके बाद और कुछ नहीं खाया बिकॉज मैंने क्या जगह मैकडोनल्ड्स में खाया था बर्गर वगैरह, सो और बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। ये क्या है? आज हम लोग अभी आ गए बीच रोड पे, अभी अराउंड 10:30 बजने वाले हैं एंड आज लास्ट डे है तो थोड़ा सा चिल विल करेंगे, बीच रोड पे बैठेंगे एंड देन हम क्रीम स्टोन से आइसक्रीम भी खाएंगे बिकॉज अब इतने सारे कैलोरीज गेन कर ही लिए तो थोड़े और सही।
गाइस देखो ये पीछे ये एलिफेंट, इससे एक बहुत ही क्यूट सा मेमोरी जुड़ा हुआ है. बिकॉज जब मैं बहुत बहुत छोटी थी, लाइक जब मैं UKG में थी, तभी मेरे कुछ कजन्स आए थे एंड मेरी बुआ आई थी, एंड उस दिन हम लोग गए थे अरकू, और फिर हम ये एलिफेंट के पास आए थे, मैं, मेरी बहन और मेरे दो भाई, एंड हम लोग आके यहाँ फोटो उठाए थे. एंड मेरे को ये भी याद है, उसके बाद हम लोग बीच पे गए. बीच पे हम हॉर्स पे, पापा बोले हम तीनों को बैठने के लिए, मेरी बहन बहुत छोटी थी तो बस मेरे को और मेरे दो भाइयों को बैठने बोले. हम लोग इतने डरपोक थे ना, अभी हम लोग ऐसे हो रहे बट तब इतने छोटे छोटे, इतने डरपोक थे. हम लोग बोले हम नहीं बैठेंगे, और इसीलिए हम लोग क्या किए बैठने के बजाय, हम लोग बस उसके ऊपर बैठे एक फोटो उठाने के लिए, वो भी ऊपर नहीं, साइड में. बट देन टू बहुत ही मज़ा आया. इनफैक्ट वो जब आप बहुत छोटे होते हो तब कुछ करने को नहीं होता, वो लोग आते थे, मैं तब वो लोग बरमपुर में रहते थे, मैं उनके घर जाती थी. फर्स्ट टाइम में यू जस्ट हैव फन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट स्टडीज. जगह पे जब आप वापस से आते हो तो आपको ये रियलाइज होता है कि यार बचपन के दिन कितने सही थे. इसीलिए वाइजैग इज जस्ट रियली रियली वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक एंड क्लोज टू माई हार्ट. आज रात खत्म होने से पहले वन लास्ट स्टॉप, दैट इज बास्किन रॉबिन्स. आज हम आइसक्रीम यहाँ पे खाएंगे. हम वापस से हम सब लोग बैठ के रेस्टोरेंट के बाहर, बास्किन रॉबिन्स के बाहर हम लोग खाना खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे, सॉरी, बिकॉज हम अंदर बैठे थे, उसने बोला कि जाओ यहाँ से, टाइम हो गया है, बिकॉज 12 बजने वाले हैं. सो या हम लोग बाहर है. एंड आज चुटकू ने कुछ पेपरमेंट वाला फ्लेवर ले लिया, इसलिए वो मिंट था, इसलिए वो पापा का खा. सो या बट मेरा वाला अच्छा, कुछ पीसे था, काफ़ी पॉश नाम था, मेरे को याद भी नहीं किया है, बट अच्छा था. ओके गाइस, सो या एंड अभी हम खाएंगे आइसक्रीम, एंड उसके बाद नेक्स्ट अपडेट घर पे. इज द लास्ट एक्टिविटी दैट वी विल बी डूइंग टुडे इन वाइजैग. सो या हे गाइस, सो अभी हम लोग सुबह सुबह, एक्चुअली मेरे क्लासेस थे सो मैं आप लोगों का अपडेट नहीं दे पाई, बट अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, हम ऑलरेडी गाड़ी में बैठ गए हैं. कल रात को आई वॉज़ वेरी 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 टायर्ड, तो इसलिए और मतलब व्लॉग करने को भी बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था. मैं आई चेंज्ड एंड टुक अ शावर, बिकॉज बाहर से आए थे ना, तो जो कुछ भी हो कोविड चल रहा है अभी भी, सो दैट वॉज अ ट्रेन, सॉरी. कम ये पाँचों दिन एक्टर स्ट्रेच घूमने जा रहे थे ना, हाँ कल यहाँ जाने, कल वहाँ जाने, तो इसलिए वो एक्साइटमेंट में वो टायर्डनेस का पता नहीं चल रहा था. बट कल एट लास्ट इट वाज लाइक ओके, कल से बैक टू नॉर्मल लाइफ, तो इसलिए कल पूरा बहुत टायर्ड फील हुआ. द ट्रिप वाज अमेजिंग एंड आई डोंट नो नेक्स्ट हम कौन से ट्रिप पे जा रहे हैं, सो मे बी वी विल गो ऑन अ ट्रिप soon. And with that note, let's end this awesome series of Vizag trip. And yeah, okay guys, bye. And keep spreading good vibes. And yeah, bahut mehnat ki hai, so please do like, share and subscribe to my channel. Okay, please guys, really motivates me a lot, so please do subscribe to my channel.